जिलाधिकारी के सख्त आदेश पर शहर के साथ वाड़ी में भी 15 मार्च से लॉकडाउन किया गया, लेकिन क्षेत्र के विधायक समीर मेखी ने ही बुधवार को नियमों का सरासर उल्लंघन कर दत्तवाड़ी से व्याहड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीनियर सिटीजन की 2 बसें भरकर वैक्सीन करने ले गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नियमों का पालन नहीं किया है। बस में भी एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बिठाना था, लेकिन 2 व्यक्ति एक सीट पर बैठे थे। जिले में सख्त आदेश है कि 5 व्यक्ति एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, लेकिन विधायक ने 25 से 30 कार्यकर्ताओं को एक साथ जमा कर बस को रवाना किया। आम आदमी ने नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना ठोका जा रहा है। पुलिस व नगर परिषद प्रशासन कार्यवाही कर रही है। अब विधायक समीर बेकी ने नियमों का उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी पुलिस आयुक्त क्या कार्यवाही करेंगे, यह सवाल वाड़ी में उठ रहा है। हालांकि बस में सवार लोगों के टेम्परेचर की जांच की गई, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए हैं। लोगों का कहना है कि 1 लाख आबादी वाली वाड़ी में करीब 10,000 से ज्यादा सीनियर सिटीजन है, फिर विधायक ने वाड़ी में ही वैक्सीन केंद्र शुरू क्यों नहीं किया। वाड़ी में ही वैक्सीनेशन केंद्र शुरू किया होता तो लोगों को वाड़ी से करीब 15 किलोमीटर दूर व्याहड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लेने जाना नहीं पड़ता। शहर में लॉकडाउन तो किया, लेकिन लोगों के साथ साथ पार्टी के नेताओं से भी नियमों का पालन नहीं होने से अब वाड़ी में ही स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक डॉक्टर के साथ अस्थायी रूप से वैक्सीन केंद्र की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर की है। कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस शाम मंडपे नव नियुक्त नेता प्रेम झाड़े, वाड़ी शहर अध्यक्ष वसंतराव इखनकर, पूर्व नगर सेवक राजेश जायसवाल, सामाजिक न्याय विभाग जिलाध्यक्ष संतोष नरवाड़े, सुरेंद्र मोरे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने की। वाड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र में वैक्सीन सेंटर की मांग जिलाधिकारी को पत्र देकर की है। वाड़ी के उपकेंद्र में अस्थायी रूप से एक डॉक्टर के साथ सेंटर शुरू किया है तो वाड़ी के सीनियर सिटीजन को 16 किलोमीटर व्याहड़पेट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने की तकलीफ कम होगी। लॉकडाउन के बाद भी कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। व जिले में पालक मंत्री द्वारा कड़ा लॉकडाउन जारी करने के पश्चात भी कोई व्यक्ति या संस्था पक्ष शासन निर्णय की अवहेलना करते हैं और नियम तोड़ते हैं तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जे वैक्सीनेशन सेंटर है जो विहाड़ पेटला है, इतने से जवरपास 8-10 किलोमीटर है आणि लोकांना भरपूर त्रास होतो। तो आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आहे, आमचे बूथचे कार्यकर्ते आहे, सगळ्यांनी मला विषय ठेवला की जर समजा आपण इथनं बस चालू करू शकलो तर लोकांना सोयीचं होईल। तर जे लोक रजिस्टर्ड होऊन आले अशा लोकांना आम्ही रोज 3 दिवस आम्ही बस उपलब्ध करून त्यांना त्या वॅक्सिन सेंटरपर्यंत पोहोचण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यात सोशल डिस्टन्सिंग आम्ही मेंटेन करून, म्हणजे 50 सीटर कॅपॅसिटीची बस असेल तर त्याच्यात 50% लोक सोशल डिस्टन्सिंग आम्ही लक्षात घेता ही बस सेवा आम्ही आजपासून सुरू केली। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।